यहां मेरे खिलाफ खड़ा हुआ था, राजा का बेटा। उसको देखिए आप कि उसकी करतूतें जो है, सारे लोग गड्ढों से परेशान, जहां भी मैं जाती हूँ मुझे कहते हैं सड़क बनवा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए। अब हमारे उसमें जो काम होता है हम उससे बढ़ चढ़ के करेंगे, बात ऐसी नहीं है, लेकिन इनको भी तो कुछ करना पड़ेगा जो पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, जो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं। अगर हम कोई डिजास्टर फंड भी लेके आते हैं, किसी तरीके का फंड भी आता है, वो भी मुख्यमंत्री कोष में जाएगा, और वो वहां से कहां जाएगा ये हम सब जानते हैं, वो जाएगा सोनिया की सरकार के पास, सोनिया के राहत कोष में। तो ये सबको पता है कि जो भ्रष्टाचार की जो सरकार है, ये जो भी जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, वो राज्यों को इन लोगों ने लूट लिया है बिल्कुल। और कैसे लड़ रहे हैं ये इलेक्शन, कहां से ये इतना खर्चा कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि हिमाचल से जो लोन लिया गया, जो ऋण लिया गया है वो गया का डायरेक्ट है। तो दोस्तों ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है हमारे लिए। अब यहाँ पे जिस तरह की स्थिति है, मान लीजिए अगर हमारी सरकार आती भी है अगली बार, तो कितना हमारा ब्याज होगा, क्या हमारी हालत होगी, जैसे दीदी ने कहा कि कहाँ कहाँ पे कटोरा लेकर जाएंगे। तो बहुत बड़ी गलती हम हिमाचली लोगों से हुई है, ये बात तो मानने वाली है। यहाँ मेरे खिलाफ खड़ा हुआ था राजा का बेटा, उसको देखिए आप कि उसकी करतूतें जो है, सारे लोग गड्ढों से परेशान, जहां भी मैं जाती हूँ मुझे कहते हैं सड़क बनवा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए। अब हमारे उसमें जो काम होता है हम उससे बढ़ चढ़ के करेंगे, बात ऐसी नहीं है, लेकिन इनको भी तो कुछ करना पड़ेगा जो पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, जो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं। अगर हम कोई डिजास्टर फंड भी लेके आते हैं, किसी तरीके का फंड भी आता है, वो भी मुख्यमंत्री कोष में जाएगा, और वो वहां से कहां जाएगा ये हम सब जानते हैं, वो जाएगा सोनिया की सरकार के पास, सोनिया के राहत कोष में। तो ये सबको पता है कि जो भ्रष्टाचार की जो सरकार है, ये जो भी जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, वो राज्यों को इन लोगों ने लूट लिया है बिल्कुल। और कैसे लड़ रहे हैं ये इलेक्शन, कहां से ये इतना खर्चा कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि हिमाचल से जो लोन लिया गया, जो ऋण लिया गया है वो गया का डायरेक्ट है। तो दोस्तों ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है हमारे लिए। अब यहाँ पे जिस तरह की स्थिति है, मान लीजिए अगर हमारी सरकार आती भी है अगली बार, तो कितना हमारा ब्याज होगा, क्या हमारी हालत होगी, जैसे दीदी ने कहा कि कहाँ कहाँ पे कटोरा लेकर जाएंगे। तो बहुत बड़ी गलती हम हिमाचली लोगों से हुई है, ये बात तो मानने वाली है।